नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, नवरात्रों में खाने के लिए आज एक मैं बहुत ही टेस्टी साबूदाने और आलू के चीले की रेसिपी बता रही हूँ। आप इसे नवरात्रों में खाइए, किसी और व्रत में भी खा सकते हैं, आसानी से बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी होता है। तो आइए बनाते हैं इसे। तो ये देखिए, मैंने एक कटोरी साबूदाने को भिगोया था 5 से 6 घंटे के लिए। तो इस तरह से देखिए, बहुत सॉफ्ट हो गया, टूट रहा इजीली, और ज़्यादा भी हो गया है फूल कर, ये आप रात भर भी भिगो सकते हैं और इसका पानी निकाल लें आप। मैंने एक बड़ा आलू बॉईल करके लिया है, 2 हरी मिर्च ली हैं, थोड़ी भुनी हुई मूँगफली है, सेंधा नमक है, काली मिर्च है, और ये बहुत थोड़ा सा हमें दही लेना है। तो ये मिक्सर जार में हम ये सब डालेंगे, दही डालेंगे, थोड़ा सा साबूदाना डालेंगे और भुनी हुई मूँगफलियाँ डालेंगे, सेंधा नमक है, काली मिर्च है, और ये आलू और हरी मिर्च इसमें हम डाल देंगे, और बहुत हल्का सा इसमें हम पानी डालेंगे और इसे बहुत थोड़ा सा चलाना है हमें, 10-20 सेकंड के लिए, 2-3 बार बस, ज़्यादा इसको हमें महीन नहीं करना है, थोड़ा इसमें दाना रहे आलू का भी, साबूदाने का भी, मूंगफली का भी। और देखिए, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और धनिया डाला है यहाँ मैंने, तो आप बिल्कुल महीन ना पीसें इसे। तो इस तरह से देखिए, चीले का बैटर रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। आप एक नॉनस्टिक का तवा लें और उस पर इस तरह से घी लगाइए, व्रत का खाना घी में बनाइए, ज़्यादा अच्छा होता है। और जितना बड़ा चीला आपको बनाना, आप उतना बैटर डालें। मैंने यहाँ 2 चम्मच डाली हैं, आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा स्टिकी होता है साबूदाना, तो आप देखिए इस तरह से फैलाइए, बहुत ईजिली नहीं फैलेगा ये। और फ्लेम को आपको ना कम रखना है ना ज़्यादा, मीडियम से हाई की तरफ ही रखना है, थोड़ा तेज़ गैस पर ही बनेगा ये। तो देखिए, 3 से 4 मिनट में इस तरह से कुक हो जाएगा। आप दूसरी साइड में घी लगाइए और इसको हम पलट देंगे, तो थोड़ा आपको 1-2 चम्मच से हेल्प लेनी पड़ेगी, तब ये आराम से पलटेगा। और इसमें देखिए, अच्छे से चिकने के ब्राउन निशान हो गए हैं, कलर चेंज हो गया है, बहुत अच्छा कुक हो गया है। तो आप इसे अच्छे से थोड़ा फ्लेम हाई करके दोनों तरफ से कुक कर लीजिए, और आपको कितना ब्राउन खाना है आप उतना ही ब्राउन इसे कर लीजिए। इस तरह से बना लीजिए आप, और हमारा ये साबूदाने और आलू का व्रत का चीला तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे मूंगफली की चटनी के साथ खाइए या दही के साथ खाइए। और देखिए, इसी तरह से तवे पर आप इन्हें इतना बड़ा ना बनाना चाहें तो छोटे छोटे पैनकेक के टाइप से आप इन्हें बना सकते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा बैटर डालें और इसे इस तरह से फैलाएं, ये स्टिकी होने के कारण बहुत आसानी से नहीं फैलेगा। तो आप 3 से 4 इस तरह से तवे पर छोटे छोटे पैनकेक भी बना सकते हैं। इस तरह से फैलाइए इन्हें और गैस को तेज करके आप इन्हें सेक लीजिए। आप इन्हें दही के साथ भी खाइए, धनिया की चटनी के साथ, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। इस तरह से हम दूसरी साइड भी इसमें घी डालेंगे। देखिए, इन्हें मैंने पलट दिया है, ये अच्छे से कुक हो गए हैं। आप और ब्राउन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बनाइए इस व्रत में टेस्टी सी रेसिपी को।